अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पेशावरी नमकीन गोश्त। जी हाँ, ये मटन से बनता है और ये बहुत थोड़े सामान के साथ बनता है और ये इतना टेस्टी होता है कि जब आप इसको बनाएंगे आपको खाकर पता चलेगा कि कितना टेस्टी होता है। जितने कम सामान के साथ बनता है उतना ही इसका टेस्ट स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत कम ऐसी रेसिपी होती हैं जिन्हें हम कम टाइम में और स्वाद में भरपूर बना सके, तो ये उन्हीं रेसिपीज में से एक है। ये बहुत कम समय में बनती है, आप इसे कभी भी बना सकते हैं। अचानक में आपके घर गेस्ट आने लगे या आपको जल्दी में कोई खाना पकाना हो, ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो इसके लिए हमें सामान चाहिए। हमने लिया है, ये लिया है हमने मटन। मटन हमारा ये 1.5 kg है, यानी कि 1.5 kg है। टमाटर लिए हैं हमने 6 से 7, जिन्हें हमने इस तरह से छील कर और इन्हें काट लिया है। आप देख सकते हैं इनके ऊपर छिलका नहीं है। अदरक का पेस्ट लिया है हमने, ये 1.5 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून फुल भर के ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च है, 1 टेबल स्पून फुल भर के लहसुन का पेस्ट है, धनिया है हरा फ्रेश कटा हुआ, 5 से 6 हरी मिर्च जिन्हें हमने मोटा मोटा काट लिया है। ये तीखी वाली मिर्च है, अगर आप कम तीखी वाली मिर्च ले रहे हैं तो आप 2 से 3 ज़्यादा इसमें डाल लें। और नमक लिया है हमने हसबे ज़रूरत, और पकाने के लिए यूज़ करेंगे हम कुकिंग ऑयल। अब मैं आपको इसके पकाने की प्रोसेसिंग बताऊँगी। फ्रेंड्स, एक तरफ हमने अपने पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट था। और इसे भून लेंगे। सिर्फ 2 मिनट हमने इसे भूनना है, बहुत ज़्यादा टाइम हमने इसे नहीं भूनना। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा मटन है धुला हुआ, पूरा मटन हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, आप इस रेसिपी को जब मटन की घर में श्राद्ध होती है, जैसे कि बकरीद के मौके पर, या फिर मेहमान घर पर आते हैं तब भी हम सामान ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवाते हैं, उस वक्त आप इसे बना सकते हैं। अब हम कलर चेंज होने तक अपने मटन को इसमें तल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मटन का कलर हमारे चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये पहले रेड था, अब ये वाइट हो चुका है। हमने इसे अच्छी तरह से इसमें तल लिया है। और अब हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे जो हमारे छील कर काटे हुए टमाटर हैं। ये देखिए, बीच में यहीं पर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारी हरी मिर्च है। साथ में जाएगा नमक, और जो हमारी काली मिर्च है इसमें से आधी काली मिर्च हम इसमें अभी ऐड कर देंगे और आधी बाद में ऐड करेंगे। बाद में जो हम ऐड करेंगे उससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, और अब हम इसके लिड को ऊपर से ऐसे ही लगाकर फुल फ्लेम पर लगभग 2 मिनट तक पकाएंगे, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग 2 मिनट तक हमने इसे टमाटर के साथ पका लिया है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज़ करने लगा है टमाटर की वजह से। टमाटर भी अपना पानी रिलीज़ करेंगे और साथ में मटन भी करेगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर इसे पकाने के लिए ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। सिर्फ 1/2 कप पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये हमने 1/2 कप पानी इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसका लिड लगा कर हम इसे अच्छी तरह से कुक हो जाने तक पका लेंगे। आपका कुकर जितने भी विसल में मटन या मीट कुक करता है इतने विसल आप इसमें लगाएंगे, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने मटन को टेंडर हो जाने तक पका लिया था और इसकी जो प्रेशर है हमने वो नेचुरली निकाल ली थी। अब हम इसका ढक्कन खोलेंगे और आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी पानी है, तो यहाँ पर हम अपना फ्लेम ऑन करेंगे। फ्लेम हमने ऑन कर दिया है, यहाँ पर हम इसका पानी खुश्क हो जाने तक इसे पका लेंगे। इसमें पानी काफ़ी है, आप देख सकते हैं मैंने कितना थोड़ा पानी डाला था, और अभी और ज़्यादा हो गया है क्योंकि टमाटर और मटन दोनों ने इसमें पानी छोड़ा है। हम इस पानी को खोलकर खुश्क करेंगे ताकि हमारे मटन में किसी तरह की स्मेल ना रह जाए और ये अच्छी तरह से कुक भी हो जाएगा। तो हम इसका पानी खुश्क कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे दिखाऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पानी हमारा खुश्क हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हम अपने मटन को भूनेंगे अच्छी तरह से बिल्कुल खुश्क हो जाने तक, ताकि इसमें से जो स्मेल है वो पूरी तरह से निकल जाए। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे जो हमारी बची हुई काली मिर्च थी, और
साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और अब इसे चला लेंगे और इसे बिल्कुल खुश्क होने तक हम भून लेंगे। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मटन हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं रहा है। यहाँ आकर हम अपनी फ्लेम बंद कर देंगे और अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर आप इसमें एक नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं पसंद करते हैं खट्टापन तो आप इसमें नहीं भी ऐड करें। मैं इसे डिश आउट करने वाली हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा ज़बरदस्त सा बहुत टेस्टी पेशावरी नमकीन गोश्त। बहुत ही टेस्टी बना है, तो ट्राई कीजिए आप इसे अपने घर पर। आपने देखा ये कितने कम सामान के साथ बना और उतना ही टेस्टी बना है। तो मैं इसे अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करने जा रही हूँ, आप भी कीजिए इंजॉय। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी एक रेसिपी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।